अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ फिटवाटों में मजे में होंगे। मैं आपका होस्ट मोहम्मद राशिद एक नई वीडियो के साथ। आम के बाग रखने वाले लोग फार्मर्स के लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया, और प्लीज़ अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो अपने फार्मर भाइयों के साथ उसको शेयर करें। वीडियो का आगाज बाकायदे तरीके से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 19 दिसंबर 2022। मैंगो हमारे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है, और मैंगो के फार्मर्स के लिए ज़रूरी है कि वो हर चीज़ की तरफ ध्यान रखें। आम लगाने वाले फार्मर्स भाइयों के लिए एक इन्फॉर्मेशन थी। जिन फार्मर्स ने नई पनीरिया या नई नर्सरी लगाई हुई है आम की, या छोटे प्लांट्स लगाए हुए आम के, उन लोगों के लिए एक हिदायत है जी। दिसंबर के मंथ में अक्सर टेम्परेचर -4 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरने के चांसेस होते हैं, तो अगर आपकी तरफ 4 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर गिरने के चांसेस हैं तो प्लीज़ अपनी जो नर्सरियां हैं, जो अभी आपने नए प्लांट्स लगाए हुए हैं, छोटे पौधे हैं, उनको कोहरे से बचाने की पूरी कोशिश करें और उनको कोहरे से महफूज रखें, क्योंकि कोहरा आपके छोटे पौधों को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है। बड़े पौधों में जो है ना कुवत मुदाफ़त ज़्यादा होती है, वो ऐसे हालात से निपट जाते हैं, लेकिन छोटे पौधों को बहुत अच्छा नुकसान, बड़ा नुकसान हो सकता है, छोटे पौधों को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आम पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है, और हम नहीं चाहते कि फार्मर्स भाई, जो आम के फार्मर्स भाई हैं, उनको बड़े नुकसान हो। तो उनको हिदायत है कि वो इन चीज़ों का ख्याल रखें, और लिहाजा ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए मुनासिब हिकमत अमली अख्तियार करना ज़रूरी है, ताकि आने वाले नुकसान के खदशात को कम से कम किया जा सके। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हम फार्मर्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आगे शेयर करें। इंशाल्लाह ऐसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।